नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर एक, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने लाख का पेन इस्तेमाल करते हैं? दरअसल हम आपको बता दें कि हमारे देश के PM या प्रधानमंत्री जिस पेन का प्रयोग करते हैं उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पास भी इतना महंगा पेन नहीं है। दरअसल PM मोदी अपने पास खास पेन रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें पेन कलेक्शन करने का काफ़ी शौक है। PM के पेन की कीमत लाखों में है और यह रोचक बात है कि यह पेन एक ही कंपनी का होता है। इस कंपनी का नाम है माउंट ब्लेनक है। प्रधानमंत्री के माउंट ब्लेनक इस पर्टिकुलर पेन की कीमत 1,30,000 है। प्रधानमंत्री बनने से पहले ही मोदी लंबे समय से फाउंटेन पेन कलेक्शन करते हुए आए हैं। मोदी की फेवरेट पेन माउंट ब्लैक इन पर्टिकुलर है। भारत में इस पेन की कीमत 1,30,000 रुपये है। क्वेश्चन नंबर दो, हवाई जहाज के पायलट के पास हमेशा कुल्हाड़ी क्यों होती है? दरअसल हम आपको बता दें कि हवाई जहाज के पायलट के पास हमेशा एक कुल्हाड़ी रहती है जो इमरजेंसी के वक्त काम में लाई जाती है। कई देशों को कानून के मुताबिक पायलट को उड़ान भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना होता है कि कॉकपिट में एक कुल्हाड़ी रखी है या नहीं। यह आमतौर पर कुल्हाड़ी लकड़ी काटने वाली नहीं होती है बल्कि एक छोटा सा पोर्टेबल औजार होता है। इसे कॉकपिट में रखा जाता है ताकि आग लगने पर या दरवाज़ा अटक जाने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। इमरजेंसी एग्जिट बनाने के लिए भी इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीन, स्विमिंग पूल में कोई मूर्ख व्यक्ति पेशाब करे तो क्या इसका पता लगाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, इसका पता लगाया जा सकता है। दरअसल स्विमिंग पूल में बाकायदा यूरिन करने वालों की पहचान के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। यहाँ पानी में यूरिन इंडिकेटर डाई नाम का एक ऐसा केमिकल मिल जाता है जिसकी वजह से यूरिन के पूल के पानी के संपर्क में आते ही आसपास के पानी का रंग बदल जाता है। और कौन मूर्ख व्यक्ति इस तरह का शर्मिंदा होना चाहेगा? क्वेश्चन नंबर चार, ऑपरेशन में टाका लगाने के लिए किस धागे का प्रयोग किया जाता है? दरअसल एक चिकित्सक उपचार होता है जिसमें एक सुई में अन्य किसी सामग्री का बना धागा डालकर जीवों के ऊतकों को एक साथ कसकर बांधा जाता है। इन टाकों का ध्येय यह होता है कि यह ऊतक प्राकृतिक प्रक्रियाओं से धीरे धीरे जुड़ सके। इन टाकों के अंत में अक्सर एक गांठ बांध दी जाती है जिसे धागों का उपयोग डॉक्टर टाका लगाने के लिए करते हैं। उसे अक्सर भेड़ों व बकरियों की आंतों से बनाया जाता है। सुअर घोड़ों गधों व खच्चर की आंतों का प्रयोग भी किया जाता है और यह प्रदूषण भी नहीं फैलाता है। दरअसल कैटगट द्वारा बने रेशों का प्रयोग भीतरी चीरफाड़ को टाकने के लिए किया जाता है ताकि कुछ समय बाद यह अपने आप ही गल जाए। दरअसल हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऑपरेशन में दो तरह के धागों का इस्तेमाल टाके लगाने के लिए किया जाता है। मतलब शरीर के अंदर ऑपरेशन के बाद टाके लगाए जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे धागों का उपयोग किया जाता है जो निश्चित समय के बाद अपने आप गल जाते हैं जिससे मरीज को परेशानी नहीं होती है। लेकिन मरीजों के शरीर के बाहरी हिस्से में जिस धागे से टाके लगाए जाते हैं उन टाकों में उपयोग होने वाला धागा अपने आप नहीं गलता है। क्वेश्चन नंबर पाँच, 5-star और 7-star होटल में क्या अंतर होता है? दरअसल दोनों होटलों में काफ़ी अंतर होता है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि 7-star होटल 5-star होटल की सारी सुविधाओं के अलावा निजी स्विमिंग पूल, व्यक्तिगत जकूंजी, निजी बटलर 24 घंटे फोन पर उपलब्ध, रोल्स रॉयल लिमोसिन, अतिथि शटल सेवा, इन स्वीट चेक इन, जैन शावर और यहाँ तक कि पानी के नीचे भोजन की सुविधा जैसी सभी सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त 7-star होटल का स्वीट 5-star की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। उदाहरण के लिए एक 5-star होटल में प्रेसिडेंशियल स्वीट्स की पेशकश कर सकता है जबकि 7-star होटल एक शाही स्वीट्स प्रदान करता है। इन सब के अलावा 7-star होटल के कर्मचारियों को अपने मेहमानों पर अतिरिक्त ध्यान रखना आवश्यक होता है। नतीजतन होटल में हर कोई अपने मेहमानों को व्यक्तिगत रूप से भी जानता है। क्वेश्चन नंबर छः, लड़ाकू विमान कभी भी सफ़ेद रंग के क्यों नहीं होते हैं? दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे कि नंबर एक, सफ़ेद रंग फाइटर जेट के छुपने में मुश्किल पैदा कर सकता है। एक फाइटर जेट को अपने आसपास के वातावरण में घूमने जाना ही सबसे ज़रूरी होता है।
नंबर दो, ज्यादातर फाइटर जेट के लिए हमेशा नजरों से ओझल रहना जरूरी होगा, चाहे वो टर्मेक पर हो या फिर समुद्र की सतह के करीब उड़ रहा हो। यहाँ सफ़ेद रंग की जगह काले रंग, गहरे घूसर या मिट्टी के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर टर्मेक पर सफ़ेद प्लेन दिखे तो बम वसक विमानों के लिए यह आसान टारगेट बन सकता है। नंबर तीन, फाइटर जेट को एक विशेष प्रकार के पेंट से रंगा जाता है जो राडर के क्रॉस सेक्शन को कम करने का काम भी करता है। सामने से आती हुई राडर की तरंगे जब विशेष रंग के पेंट की हुई सतह से टकराती है तो वह बिखर जाती है। नंबर चार, इस पेंट में लोहे का उपयोग होता है और यह ज़्यादातर गहरे घूसर काले रंग का ही होता है। नंबर पाँच, सफ़ेद रंग का एक नुकसान यह भी है कि सफ़ेद रंग ऊष्मा को आकर्षित जल्दी करता है, जिसमें ऊष्मा खोजी मिसाइल उस प्लेन के हीट सिग्नेचर को पता कर सकता है, सुरक्षा के लिए यह खतरा भी बन सकता है। नंबर छः, इसके उलट पैसेंजर प्लेन को यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सफ़ेद रंग सस्ता होता है, इसलिए पैसेंजर प्लेन सफ़ेद रंग के होते हैं। क्वेश्चन नंबर सात, विराट कोहली पीने का पानी विदेशों से क्यों आयात करते हैं? दरअसल ये सच बात है कि विराट कोहली पीने का पानी विदेशों से आयात करते हैं। चूँकि वह अपने राष्ट्र के लिए खेलते हैं, इसलिए वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं। वह जो पानी पीते हैं उसे फ्रांस से आयात किया जाता है। कोहली केवल एवियन ब्रांड का पानी ही पीते हैं, जिसकी कीमत 500 रुपये प्रति लीटर है, जिसे फ्रांस से आयात किया जाता है। यह पानी की बोतलें अलग अलग वेरिएंट में उपलब्ध है। एवियन की सबसे सस्ती बोतल भारत में 240 रुपये में उपलब्ध है, जो कि आधा लीटर की होती है। क्वेश्चन नंबर आठ, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग हमेशा ट्रेन से ही क्यों यात्रा करते हैं? दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि नंबर एक, प्लेन के क्रैश कराए जाने, शूट किए जाने का हमेशा खतरा रहता है। ऐसे व्यक्ति की हत्या षडयंत्र तो कई देश भी रच चुके हैं। नंबर दो, समुद्री जहाज़ों से यातायात असुरक्षित और बहुत धीमा होता है। कोई भी सबमरीन का प्रयोग कर टारपीडों से जहाज को डुबा सकता है। सबमरीन से जाना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा भी नहीं देगा और साथ ही साथ वह असुरक्षित भी होता है। नंबर तीन, ट्रेन बंदोबस्त होती है, स्वच्छता की दृष्टि से अनुकूल भी होती है। आगे एक ट्रेन चलती है, गति पर भी नियंत्रण रहता है। अब किम जोंग को अमेरिका तो जाना नहीं होता, वो तो उत्तर कोरिया से यूरोप के सुदूर भूभागों तक ही चाहे तो जा सकता है। नंबर चार, कार में इतनी दूरी तय करना संभव भी नहीं होता है, वो भी काफ़ी असुरक्षित होती है। एक बड़े काफिले के साथ कार के साथ चलना बहुत ही खर्चीला भी होता है। लोहे की ट्रेन को सुरक्षा प्रदान कर पाएगी वो कार नहीं कर पाएगी, इसलिए वह ट्रेन से ही अपनी दूरी तय करते हैं। नंबर चार, ट्रेन में जितनी जगह है उसमें शहजादे आराम से अपनी अय्याशी भी कर सकते हैं। यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग हमेशा ट्रेन से ही यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।